आईएमयूसीटी के लिए कहां से प्रिपरेशन करें, कौन कौन सी बुक मुझे लेनी चाहिए, क्या मुझे सैंपल पेपर लेना चाहिए कहीं से या अमेजन से कोई बुक मुझे खरीदनी चाहिए, मटेरियल कौन सा लेना चाहिए, और साथ ही साथ ये भी क्वेश्चन आते हैं भैया जनरल एप्टीट्यूड को कैसे मैं अरेंज करूं, इंग्लिश को कैसे मैनेज करूं, और साथ ही साथ क्या करंट अफेयर आती है। तो ये वाले डाउट्स मेरे पास बहुत से आते हैं, बहुत से अगर आपने देखे होंगे कमेंट सेक्शन में ये डाउट बड़े आते हैं कभी कभी, ये बहुत से आते हैं इंस्टाग्राम में। और इस वजह से मैंने एक वीडियो बनाई है, लेकिन वो काफी पुरानी हो चुकी है क्योंकि ना ट्रेंड चेंज होते रहते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चंस जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं हर आईएमयूसीटी के साथ। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पर्सनली मैंने क्या यूज किया था इस आईएमयूसीटी के लिए, एंड थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस अपने हिसाब से बताऊंगा कि जो पुराने आईएमयूसीटी के कॉन्सेप्ट अब कैसे चेंज हो रहे हैं और कैसे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखते हो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। So hey guys, what's up? This is AJ and today in this video basically we are going to talk about कौन कौन सी बुक आप यूज कर सकते हो आईएमयूसीटी प्रिपरेशन के लिए, और बहुत ही ईजी वे में आपको बताऊंगा, ठीक है, और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मैंने दो तीन आईएमयूसीटी दिए हुए हैं, सो दैट्स व्हाई यू नो आई कैन टेल यू आप कैसे यू नो चेंज ला सकते हो। क्योंकि आप एक चीज और बताऊं तो कुछ कुछ चीजें यहां पर बदली हैं, ठीक है, और उन चीजों पे ध्यान रखना आपको जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप सोच रहे हो कि पहले की तरह आने वाला है, एक साल पहले की तरह पेपर पैटर्न होने वाला है, नहीं, थोड़ा सा चेंजेस है, वो चेंजेस भी मैं आपको बता दूंगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं सोच रहा था कि आईएमयूसीटी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है या प्रीवियस ईयर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आपको समझा सकूं, उसके लिए मेरे पास बोर्ड नहीं है, ठीक है, हल्द्वानी में था मेरे पास व्हाइट बोर्ड बट यहाँ पे नहीं है, और राइट नाउ यू नो बहुत बिजी शेड्यूल है और जिसकी वजह से मैं बोर्ड अब अरेंज नहीं कर पाऊंगा मतलब फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं उतना टाइम देने वाला नहीं हूँ, पहले सोचा था लेकिन काफी ज्यादा यू नो हेक्टिक शेड्यूल है। सो अगर आपके पास कोई यहाँ पर यू नो सजेशन है इसके लिए तो आप बता सकते हो, बहुत से ऐसे भी देखे मैंने कि वो कॉपी टाइप में कर आते थे लेकिन उसमें मुझे पता आइडिया नहीं है कि मोबाइल हिल जाएगा तो ये पता है नहीं मुझे, ठीक है, तो सजेस्ट करना अगर आपका कोई अच्छा सा यू नो सजेशन होगा तो मैं उस पर देखूंगा और उसके हिसाब से आपके जो प्रीवियस क्वेश्चन है मैं भी आपको थोड़ा सा कोशिश करूं कि यू नो उसी हिसाब के क्वेश्चन आपको करा सकूं, ठीक है, प्रिपेयर करने के लिए आपको आईएमयूसीटी के लिए, ठीक है। और जो चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है, इस वीडियो के लिए देखो ये कहीं ना कहीं मेरी जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको शेयर करने वाला हूं कौन कौन सी बुक आप प्रिफर कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपको अच्छी लगेगी तभी इसे फॉलो करना, हर स्ट्रेटेजी वीडियोस में मैं ये बोलता हूं अगर अच्छी लगेगी तभी फॉलो करना, अदरवाइज इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखते हो तो आपके पास एक स्ट्रेटेजी जरूर हो जाएगी प्रिपरेशन करने के लिए कौन कौन सी बुक आपको चाहिए आईएमयूसीटी के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस पता होने चाहिए कितने आईएमयूसीटी एग्जाम में सब्जेक्ट वाइज आते हैं, ठीक है। एक बार मैं ऐसे ही चैट कर रहा था किसी कोई लड़की से, वो पूछ रही थी, ठीक है, तो मैंने उससे ऐसे पूछ लिया कितने क्वेश्चन है इस वाला, ठीक है, तो उसे पता नहीं था, ठीक है, तो आपको ये अपडेटेड रहना पड़ेगा बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको पता हो पहले तो पता होना चाहिए, ठीक है, कितने क्वेश्चन किससे आने वाले हैं, दैट्स व्हाई यू नो आप एक स्ट्रेटेजी बना सकते हो कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है, ठीक है। तो पहला नंबर पे हमारा फिजिक्स है, ठीक है, फिजिक्स की अगर मैं बात करूं काफी इंपॉर्टेंट है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ठीक है, अगर आपने इसे अच्छे से कर लिया बिलीव मी आईएमयूसीटी एग्जाम आपको बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि मैथ्स सबकी अच्छी होती है लेकिन फिजिक्स में फंस जाते हैं और स्पेशली एविंद की जो फिजिक्स है उसमें फंस जाते हैं, ठीक है। फिजिक्स के 50 क्वेश्चंस आते हैं और 50 क्वेश्चन आते हैं देखो, और इसमें क्या है ना न्यूमेरिकल भी अच्छे तरीके से आते हैं और आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी अच्छे से देखने को मिलेंगे। अब ऐसा नहीं बोलूंगा कि आधा आधा कर लो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन काफी अच्छे अच्छे आपको यू नो सब कवर हो जाएगा ये समझ के चलो, और इलेवेंथ का भी काफी ज्यादा आता है। तो एक ये बुक है मेरे पास अब नाउ यू नो लाइक व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए देन एक बुक है ये हिंदी में, ठीक है, ये है एक्स वाई ग्रुप की, ठीक है, एक फिजिक्स की बुक आती है और इसमें बहुत बढ़िया से यहां पर लेकिन पूरा हिंदी में, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा कैसे आपको इसको अरेंज करना है इंग्लिश में, साथ में इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है ये बुक, दैट्स द मेन प्रॉब्लम, बट इसमें न्यूमेरिकल्स बड़े बहुत ही शानदार है, मतलब बढ़िया से बढ़िया न्यूमेरिकल्स आपको इसमें मिल जाएंगे, और स्पेशली जो टाइम बेस्ड यू नो एग्जाम्स होते हैं ना जिसमें बहुत कम टाइम आपको मिलता है क्वेश्चन करने के लिए, तो उसके लिए ये बुक बहुत अच्छी है। तो आप क्या कर सकते हो ये एक बार देख लेना, ठीक है।
और ये बुक खरीद सकते हो, ठीक है। लेकिन ये प्रॉब्लम क्या है, पूरी हिंदी में और आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। लेकिन थोड़ा मुझे आइडिया था तो मैंने खरीदी थी और मैंने काफी हिसाब से उसे कन्वर्ट करने की कोशिश की और जिसने मुझे अंदर तक कॉन्सेप्ट अच्छे से सिखा दिए थे, ठीक है, क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। अदरवाइज जो एनसीईआरटी है, ठीक है, फिजिक्स की, वो बेस्ट है, ठीक है, 11th 12th की पढ़ लेना, बिलीव मी 11th से भी अच्छे टाइप ज्यादा नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो एक बार ना अगर आप एनसीईआरटी जा सकते हो तो बिल्कुल जाओ, क्योंकि वो बेस्ट है, ठीक है, उसके मतलब मुकाबला नहीं है। ये इसलिए अच्छी है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल के हिसाब से, ठीक है, अदरवाइज एनसीईआरटी में जाओ, इनफ आपको वो मिल जाएंगे, ठीक है, पॉइंट्स मिल जाएंगे और आपको ना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है उसमें, उसमें जितना पढ़ लिया उतना ही करना है। जैसे अगर आप रेफरेंस बुक खरीदते हो या कोई गाइड बुक जो भी है आपके पास वो खरीदते हो, उसमें क्या है ना कि ऊपर नीचे दिया होता है, किसी में इंफॉर्मेशन कम है ज्यादा, ये वाली प्रॉब्लम जरूर आती है, ठीक है। तो मे बी ये चीज आप कर सकते हो, अगर आपको खरीदनी है तो ये बुक भी आप खरीद सकते हो, ठीक है। फिर मैं बात करता हूं सेकेंड मैथ्स की और मैथमेटिक्स की, जब मैं बात करता हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसको आप यू नो हल्के में बिल्कुल मत लेने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें बताऊं क्या है। देखो 11th का पोर्शन भी काफी आता है, ठीक है, 12th का तो आएगा, 12th का तो आप अभी प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन 11th का भी काफी आता है। और जब मैं 11th की बात कर रहा हूँ ना, तो 11th सबकी अच्छी नहीं होती है, मोस्टली 90% की मुझे नहीं लगता 11th अच्छी होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसमें भी ध्यान देना है। उसके लिए देखो बहुत सी बुक्स अवेलेबल है, एनसीईआरटी इज ऑलवेज द बेस्ट थिंग जिसके लिए आप जा सकते हो, ठीक है, बेस्ट बुक होगी वो। बट हाँ, ये कहीं ना कहीं एक मेरे पास थी सेम एनडीए प्रिपरेशन वाली, ये है आपकी मंजूर त्यागी, ठीक है। सो एक ये बुक है जिसमें आई थिंक 11th 12th के सारे कॉन्सेप्ट आपको दिए गए और ऐसे कॉन्सेप्ट भी दिए गए जो कि इस बार नए थे, ठीक है, आईएमयूसीटी के लिए कुछ कुछ टॉपिक्स थे, ठीक है, वो पहले नहीं आते थे लेकिन अभी आए हुए थे, तो वो सारे कॉन्सेप्ट भी आपको इस बुक में मिल जाएंगे। अदरवाइज अगर आपके पास पाथफाइंडर भी है, ठीक है, तो वो भी एक बहुत अच्छी बुक है, ठीक है, उसमें भी सारे चैप्टर वाइज और जो इम्पोर्टेंट आईएमयूसीटी में आ सकते हैं वो है। और बेसिकली इसमें क्या है, लेवल 1 लेवल 2 करके अगर आप ये बुक खरीदने वाले हो, ठीक है, फिर भी बता देता हूँ, तो लेवल 1 ही करना, लेवल 2 में जाने की कोशिश मत करना, बिकॉज आपको ना पढ़ना किसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा टाइम दोगे तो फायदा नहीं है, ठीक है, उतना पढ़ना जितना इनफ आपके लिए हो सकता है, ठीक है, मतलब क्रैक करने के लिए। और मैथ्स में जो आपको चीजें ध्यान रखनी है, फॉर्मूले छोड़ना मत, फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है और फॉर्मूले से बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होंगे, लेकिन उसके लिए आपको चीजें पता होनी चाहिए कि इसका फॉर्मूला ये है, क्योंकि ये ना भूल जाओगे, ठीक है, ये भूलने का बहुत वो होता है, ठीक है। और क्या करना, कुछ नए टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको अभी आपको बताया, जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले बता रहा था स्टार्टिंग में, तो मे बी मैं आपको बता सकूं, उसमें रिवाइज करा सकूं, जो नए नए टॉपिक्स हैं वो मैं आपको अपने हिसाब से बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है आपका केमिस्ट्री, और जब मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के लिए बहुत से पूछते हैं, भैया क्या मुझे केमिस्ट्री पढ़नी चाहिए क्या नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है, आपको बता दूं 20 क्वेश्चंस केमिस्ट्री से आते हैं, और केमिस्ट्री से 20 क्वेश्चन में बात कर रहा हूं ना, तो इसमें बेसिकली बेसिक क्वेश्चन बहुत आते हैं। बेसिक क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया कि जो ना नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला आप बता सकते हो, ठीक है, जो सिंपल सिंपल होते हैं, या कुछ क्वेश्चन ऐसे मतलब लेवल के हिसाब से माना, ठीक है, अब सेम क्वेश्चन नहीं आने वाले, लेकिन मैं लेवल के हिसाब से बता रहा हूँ, ये ऐसे कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, थोड़ा हार्ड वाटर की प्रॉपर्टी एक 11th में था ना, ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, या एसिड रेन में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, नोमनक्लेचर आपके पास आएगा, पॉलीमर जो है आपका, वो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। सिलेबस पे वैसे मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ये बस मैं ये बता रहा हूँ कौन सी बुक आप प्रीफर कर सकते हो, ठीक है, अगर नीचे कमेंट करोगे आप तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा सिलेबस पे, ठीक है। तो बेसिकली क्या करना, जो आपकी एनसीईआरटी है उससे बेस्ट कोई बुक नहीं यहाँ पर अभी मेरे पास है नहीं, अदरवाइज मैं आपको शो कर देता, एनसीईआरटी की जो बुक है 12th की, 11th के लिए मत जाना, 12th के लिए जाना, बहुत शानदार बुक है, ठीक है। और मेनली क्या करना, डीप मत जाना, ठीक है, 20 क्वेश्चन आते हैं तो डीप मत जाना पढ़ने की कि आप एकदम यू नो अंदर से अंदर निखोल एकदम खोज रहे हो चीजें, नहीं इतना नहीं जाना है, अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो और उसी में हो जाएगा ये सारा, ठीक है, इनफ हो जाएगा। और पॉलीमर एक चैप्टर है वो भी अच्छे से देख लेना, ठीक है, तो उसके लिए हो जाएगी आपकी सारी जो भी प्रिपरेशन हो जाएगी वो एनसीईआरटी से हो जाएगी, और इसमें आपको कोई बार बार के कुछ मटेरियल देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पर इंग्लिश की, और इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक सब्जेक्ट है आईएमयूसीटी के हिसाब से, इसमें आने वाले आपके 40 क्वेश्चन, और जब मैं बात करता हूँ 40 क्वेश्चन, अब बहुत से सोच रहे होंगे ईजी होगी ना इंग्लिश, हाँ ना, ये आपको अगर लग रहा है, ठीक है, अब देखो थोड़ा सा ना आपको समझना है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव लेवल में इंग्लिश थोड़ा सा अलग होती है,
ठीक है, हमारी बेसिक इंग्लिश की तरह नहीं होती है उसमें कि इजी इजी आ जाए। इजी होते हैं बट जिनको वो रूल्स पता है, एरर्स पता है कि कैसे करने, उन्हीं के लिए आसान लगता है। ठीक है, सपोज करो देखो कोई कंडीशनल वो होती है, ठीक है कंडीशन है कोई, तो उसमें इफ लगता है अगर आपको पता होगा। ठीक है, तो वहां पे वर्स की जगह वर आता है। ठीक है, तो हमें ये चीजें नहीं पता होंगी अगर हमें इसका रूल पता नहीं है। ठीक है, इफ आई वर यू नो अ प्रेसिडेंट, तो ऐसा कुछ, तो अगर हमें रूल पता नहीं है तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो सिंपल सी चीज है, क्या करना, कोई ऐसी बुक खरीदना जिसमें ऐसे क्वेश्चंस रहें जैसे कि एरर्स हो गए। ठीक है, और बहुत से यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। मेरे पास थी पेज टू पैरामाउंट, एक बहुत शानदार बुक है, आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, कोई सी भी एक ऐसी बुक खरीद लेना जो प्रिपरेशन के लिए होती है, बेसिकली पैसेज वैसेज ऐसी वाली बुक कोई होगी आपके पास तो वो एक खरीद लेना, जिससे आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। ठीक है, अदरवाइज अब हम बात करने वाले हैं जनरल एप्टीट्यूड की, और इसमें भी आने वाले हैं 40 क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सिंपल बात बताता हूं, इसके लिए कोई बुक की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना ध्यान रखना कि जैसे आप खरीदते हो ना वो अमेजन से, और ये नहीं, जरूरत ही नहीं है भाई बुक की। सिंपल से क्या करो, जो मैं खुद यूज किया है वो मैं आपको बता रहा हूं। गूगल खोलना कभी भी, और गूगल पे लिखना जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस, कॉम्पिटेटिव क्वेश्चंस ऐसा कुछ लिख देना। ठीक है, वहां पे ना बहुत सी साइट्स आपको मिलेंगी, और जब आप कोई भी साइट्स खोलोगे ना वहां पे, तो उस साइट के अंदर आपको अलग अलग टॉपिक, ठीक है, मिलेंगे, और उसके अंदर आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, और वो क्वेश्चन जो होते हैं ना वो ट्रेंडिंग क्वेश्चन होते हैं, मतलब सेम सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मतलब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, और वो ऐसे क्वेश्चन एकदम आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। वो हो सकते हैं एज ग्रुप से और रीजनिंग विजनिंग, वैसे मैंने एक वीडियो पे सिलेबस पे वीडियो पहले से बनाई हुई है, वो देख लेना। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो गूगल से आपको इसको प्रिपेयर करना है, और गूगल से करोगे ज्यादा फायदे में रहोगे। ठीक है, अब इसके साथ ना थोड़ा सा एक छोटा सा सेक्शन आता है, वो है आपका जनरल साइंस का। देखो पहले क्या होता था ना, सभी से जनरल नॉलेज बोलते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा एक डिफरेंस बताता हूँ जनरल साइंस और जनरल नॉलेज में। जनरल नॉलेज का पूरा वो हो गया कि करंट अफेयर से रिलेटेड, जनरल साइंस में हो गया जैसे ज्योग्राफी हो गया, आपका फिजिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पे ना जनरल साइंस आती है, नॉट की जनरल नॉलेज। ठीक है, ये इस बार मैंने एक्सपीरियंस किया है, करंट अफेयर आता था लेकिन अब फेड हो रहा है वो। ठीक है, अब जनरल साइंस ज्यादा आ रहा है उसमें, तो जनरल साइंस में बेसिकली जैसे ज्योग्राफी की क्वेश्चन हो गई, और इनके लिए क्या कर सकते हो आप, देखो अगर आप सोच रहे हो कि आप ऐसे क्वेश्चन करने वाले हो, ठीक है, कि मतलब प्रिपेयर करने वाले हो, तो बिल्कुल सोचना मत खाई, क्योंकि इसमें क्वेश्चन कम आते हैं। ठीक है, जनरल साइंस से कुछ कम आएंगे क्वेश्चन, 10 12 15 जो भी अगर आ गए, तो उसमें क्या होगा, आपको वैसी डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। डिटेल नॉलेज का मतलब है आपको पता होना चाहिए खनान रिवर के आगे कौन सा डैम बना हुआ है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, इस बार भी आए हुए थे कि ओरिजिन कहां है इस नदी का, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और ये मुश्किल है। ठीक है, अगर आपने पढ़ा नहीं है ना आप कर ही नहीं सकते हो, तो इसके लिए भी अगर होगा तो मैं वीडियो बना लूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने जनरल साइंस पढ़ी हुई है, एनडीए में पढ़ी थी मैंने। ठीक है, तो इस वाले एडमिनिस्ट्रेटिव मेरे को काफी हेल्प हुई थी उससे, बट आई विल ट्राई टू यू नो मेक दिस कॉन्सेप्ट वेरी इजी, तो लेकिन टाइम लगेगा। ठीक है, और क्या कर सकते हो आप सिंपल सा, कि इसके लिए ना करंट अफेयर हल्का सा देखते रहना। ठीक है, करंट अफेयर के क्वेश्चन मैंने इस बार ज्यादा देखे नहीं, तो फिर भी हल्के हल्के देखते रहना। ठीक है, जो मेन ही है वो ज्यादा ध्यान देना, जैसे डिफेंस से होगा रिलेटेड, या आपके अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप देख सकते हो, अदरवाइज जो जनरल साइंस का कॉन्सेप्ट है उसमें क्या है कि आपको वो डिटेल नॉलेज होनी ही चाहिए, अदरवाइज आप आंसर नहीं कर पाओगे। ठीक है, और यही था सारा, जो पांच जो आपके सब्जेक्ट है उस पर कौन कौन सी वीडियो बुक्स आपको प्रेफर करनी है तो मैंने आपको बता दिया है, और जैसे कि आपको मैंने बताया था फिजिक्स के लिए जो मेरे पास ये एक्स वाई ग्रुप की जो बुक है, मैथ्स के लिए मेरे पास मंजू त्यागी है, एंड केमिस्ट्री एनसीईआरटी होल यू नो एनसीईआरटी से ही पढ़े, उस ज्यादा जरूरत नहीं है। इंग्लिश की मैं बात करता हूँ, इंग्लिश में आप एक अलग से बुक खरीद सकते हो। ठीक है, कॉम्पिटेटिव बुक खरीदना, वैसे मत खरीदे ना कि सिंपल वाली। ठीक है, और जो पांचों हमारा सब्जेक्ट हो गया वो हो गया जनरल एप्टीट्यूड, उसके लिए आप गूगल का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये पांचों बुक कहीं ना कहीं मैंने यूज की थी, और आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, लेकिन एक बहुत सिंपल सा चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो आपको ना हमेशा जो पढ़ना होता है एग्जाम के लिए वो लेवल के हिसाब से पढ़ना होता है, और जब आप थोड़ा सा सोचोगे ना तो आपको पता चलेगा कि एमएससीटी का लेवल बहुत ऊपर नहीं जाता है, तो क्या करना सिंपल सा, एनसीईआरटी को प्रायोरिटी देना। अगर आपके पास एनसीईआरटी, अगर आपने ज्यादा नॉलेज नहीं आपको, ठीक है, अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, तो एनसीईआरटी आपके लिए बेस्ट हो सकती है, ये उनके लिए थोड़ा सा अगर एकदम एडवांस जाना चाहते हैं, अदरवाइज एनसीईआरटी से ही सारा काम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यही थी वीडियो, और आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। ठीक है, और बहुत से पूछ रहे थे कि भैया
बुक्स वुक्स ठीक है बाहर से खरीदे मटेरियल खरीदे बिल्कुल मत खरीदो ठीक है, वो तुम्हें वही प्रोवाइड करेंगे जो आपके पास अवेलेबल होंगे, जो आपके गेट 12 वाले टीचरों ने कराया होगा आपके बारे में ऑनलाइन है वो अलग बात है, लेकिन वही उसी से इनफ हो जाएगा ठीक है। तो बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं, अमेजन से खरीदने की अभी तक तो जरूरत नहीं है जितना मुझे लगता है ठीक है, और मैं खुद नहीं खरीदी है तो मैं आपको कोई वो नहीं कर सकता, इस राय नहीं दे सकता ठीक है। तो आज अगर वीडियो अच्छी लगी होगी और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जो भी आपके यू नो सजेशन है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर आप जरूर बताएं जिससे चैनल में इंप्रूवमेंट आती रहे।